हेलो फ्रेंड्स डॉक्टर ममताज एजुकेशनल फ्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स रॉयल्टी अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट को हमने देख लिया है जर्नलिट्रीज़ की फॉर्मेट्स को भी हमने पढ़ लिया है और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर दिए हैं आज रॉयल्टी अकाउंट का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट देखेंगे हमारी रिकपमेंट के फ्लोटिंग पीरियड के साथ यानी कि हमारा जो रिकपमेंट का पीरियड है वो फ्लोटिंग रहेगा वो चेंजिंग रहेगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी रॉयल्टी अकाउंटिंग के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं इंडिया बुक हाउस पब्लिश्ड अ बुक रिटर्न बाय मिस्टर राठी royalty was fixed at rupees 2 per book sold subject to minimum payment of rupees 6000 per year short workings were recoverable within the next 2 years of their occurrence the annual sale of books was as follows in year 2014 500 tons 2015 1500 tons 2016 3500 tons 2017 थाउजेंड 4000 2018 5000 शो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ इंडिया बुक हाउस एंड शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट इन दियर बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट 2016 हमारे साथ पास प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो रॉयल्टी फिक्स की गई है वो है रुपीज़ टू पर बुक सोल्ड अब जो बुक्स सोल्ड हुए हैं उनके ऊपर हमें रुपीज़ पर बुक पेड करना है मिनिमम रेंट जो है वो फिक्स किया गया है रुपीज़ सिक्स थाउजेंड पर यानी कि हर साल मिनिमम रेंट जो है वो सिक्स थाउजेंड पर ईयर का फिक्स किया गया है अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पर है शॉर्ट वर्किंग की जो कि रिकवर होंगी नेक्स्ट टू ईयर्स में आफ्टर दर ऑकरेंस यानी कि जिस जिस साल में शॉर्ट वर्किंग आएगी उसके टू ईयर्स में ही उसकी रिकवरी की जाएगी ऐसे हमें यहाँ पर बताया गया है यानी कि दो साल तक ही उसकी रिकवरी की जाएगी और हमें ईयर और आउटपुट जो है वो आउटपुट यहाँ पर दिया गया है और इसी के साथ अब हम हमारे रॉयल्टी अकाउंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे रॉयल्टी अकाउंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल एनालिटिकल टेबल आप सभी के सामने है जैसे कि हमें पता है हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम एनालिटिकल टेबल को भी बना देते हैं अब सबसे पहले हमारे पास ईयर्स का कॉलम है तो हम सबसे पहले ईयर लिख देंगे जैसे कि हमारे पास दिए गए हैं 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। साथ ही साथ हमें आउटपुट भी दिया गया है जो कि हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है तो आउटपुट जो है वो हम लिख देंगे 2014 को 500 बुक्स 2015 को 1500 बुक्स 2016 को 3500 बुक्स 2017 को 4000 बुक्स एंड 2018 को 5000 बुक्स अब जो रॉयल्टी का रेट है वो रॉयल्टी का रेट फिक्स किया गया है रुपीज़ टू पर बुक सोल्ड यानी कि हर बुक पर हमें टू रुपीज़ की रॉयल्टी मिलने वाली है तो नेक्स्ट कॉलम जो है हमारी एनालिटिकल टेबल का वो है रॉयल्टी का कॉलम जहाँ पर रुपीज़ टू पर बुक एट द रेट रुपीज़ टू पर बुक मैंने लिख दिया है अब जैसे कि हम जानते हैं 2014 में आउटपुट जो था वो था 500 बुक्स का तो रॉयल्टी जो होगी वो फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू हो जाएंगी वन थाउजेंड रुपीज़ टू थाउजेंड फिफ्टीन में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बुक्स है मल्टीप्लाइड बाई टू अगर कर दे तो थ्री थाउजेंड रुपीज़ रॉयल्टी हो जाएगी टू थाउजेंड सिक्सटीन में थ्री थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड बुक्स का आउटपुट है यानी कि मल्टीप्लाइड बाई टू कर देंगे तो सेवन थाउजेंड रुपीज़ रॉयल्टी आ जाएगी टू थाउजेंड सेवेंटीन में फोर थाउजेंड बुक्स मल्टीप्लाइड बाई टू एट थाउजेंड रुपीज़ की रॉयल्टी आ जाएगी 2018 में 500 5000 बुक्स हैं मल्टीप्लाइड बाय टू टेन थाउजेंड रुपीज़ रॉयल्टी की अमाउंट आ जाएगी इसी तरह से हमारा रॉयल्टी का जो कॉलम है वो रेडी हो चुका है नेक्स्ट जो कॉलम है वो है मिनिमम रेंट का जैसे कि हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई है मिनिमम रेंट जो है वो पेएबल है रुपीज़ सिक्स थाउजेंड पर ईयर तो हम हर साल सिक्स थाउजेंड का मिनिमम रेंट पेड कर देंगे और इसी तरह से हमारी मिनिमम रेंट का जो कॉलम है वो भी तैयार हो जाएगा अब नेक्स्ट कॉलम आएगा वो होगा शॉर्ट वर्किंग का जैसे कि हमें पता है जब भी भी हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग आ जाती है तो 2014 में रॉयल्टी है 1000 मिनिमम रेंट है 6000 तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी 5000 की 2015 में रॉयल्टी है 3000 मिनिमम रेंट है 6000 सो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा थ्री का 2016 में रॉयल्टी है 7000 मिनिमम रेंट है 6000 रॉयल्टी ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं सरप्लस होगा तो वो हम सरप्लस की कॉलम में लिख देंगे 1000 2017 में रॉयल्टी 8000 की है मिनिमम रेंट 6000 का है अगेन यहाँ पर सरप्लस है 2000 का 2018 में रॉयल्टी है 10000 की मिनिमम रेंट है सिक्स का अगेन सरप्लस आ जाएगा फोर का अब देखिए प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि शॉर्ट वर्किंग्स जो है वो रिकवरेबल है नेक्स्ट टू इयर्स के लिए यानी कि जिस साल में शॉर्ट वर्किंग आई है उसके अगले दो साल तक ही उसकी रिकवरी की जाएगी यानी कि 2014 में जो शॉर्ट वर्किंग है 5000 का वो रिकवर हो सकेगा 2015 एंड 2016 इन दो सालों में ही तो 2014 का जो शॉर्ट वर्किंग है 5000 का उसके रिकवरी के लिए हमें 2015 और 2016 दोनों सालों में रिकवरी करनी होगी अब 2015 में किसी तरह का सरप्लस नहीं है तो वहाँ पर रिकवरी नहीं होगी 2016 में 1000 का सरप्लस दिख रहा है तो 2016 में सरप्लस हो जाएगा 1000 का और ये सरप्लस की अमाउंट हम यूज़ करेंगे हमारी शॉर्ट वर्किंग को रिकअप करने के लिए तो 2014 में जो 5000 के शॉर्ट वर्किंग्स थे उसे हम रिकवर कर लेंगे अब अवेलेबल अमाउंट हमारे पास 1000 है तो रिकवरी भी हमारी 1000 की हो जाएगी तो इसी तरह से हमारी वन थाउजेंड की रिकवरी हो गई है टू थाउजेंड सिक्सटीन में इसी तरह से टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो शॉर्ट वर्किंग थी थ्री थाउजेंड की उसे भी हमें रिकवर करना है अब ये जो टू थाउजेंड फिफ्टीन की शॉर्ट वर्किंग है उसे हम रिकवर कर सकते हैं टू थाउजेंड सिक्सटीन और टू थाउजेंड सेवेंटीन तक ही यानी कि जैसे कि हमें बताया है नेक्स्ट टू ईयस तक ही हम हमारे रिकवरी को रिकअप कर सकते हैं तो 2015 में जो 3000 का बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग का उसे रिकवर करने के लिए 2016 और 2017 का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 2016 में जो सरप्लस का बैलेंस था 1000 वो हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है 2014 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए यानी कि 2016 में अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है 2017 में हमारे पास सरप्लस का बैलेंस है 2000 का अब ये जो 2000 का बैलेंस अवेलेबल है उसी के साथ हम 2015 की शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल थी उज इसलिए टू थाउजेंड की रिकवरी हमने कर दी है इसी तरह से हम लोगों ने टू थाउजेंड फोर्टीन एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन के पार्टली जो अमाउंट है वो पार्टली अमाउंट को रिकवर कर दिया है अब जैसे कि हम जानते हैं 2014 में शॉर्ट वर्किंग्स 5000 थी जिनमें से रिकवर हो गई थी 1000 तो अनरिकवरेबल अमाउंट जो होती है शॉर्ट वर्किंग्स की वो 2016 में 4000 होगी क्योंकि 4000 थाउजेंड की अमाउंट 2016 में हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसे हमें राइट ऑफ कर देना होगा 2016 में ही क्योंकि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी रिकवर नहीं होगी क्योंकि इसकी रिकवरी का जो एक्सपांशन टाइम है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है उसी के साथ 2015 की जो शॉर्ट वर्किंग थी थ्री थाउजेंड रुपीज़ की वो थ्री थाउजेंड रुपीज़ की शॉर्ट वर्किंग हमें रिकवर करनी है और वो रिकवर कर दी थी हमने टू थाउजेंड रुपीज़ से यानी कि वन थाउजेंड रुपीज़ जो थे वो अनरिकवरेबल है और यहाँ पर 2017 में हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी एक्सपायर हो जाता है तो उसी के साथ हम लोग यहाँ पर 1000 जो अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स है वो यहाँ पर लिख देते हैं जिसे हमें राइट ऑफ कर देना है तुरंत ही अब बारी आती है एनालिटिकल टेबल के लास्ट कॉलम की जो कि है पेएबल टू लैंड जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट पेड करनी होती है वो अमाउंट रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होगी उस अमाउंट से हमें लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होता है अब 2014 में रॉयल्टी है 1000 मिनिमम रेंट है 6000 तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो है 6000 थाउजेंड सो तो ये पेड कर देंगे हम टू में रॉयल्टी की अमाउंट है थ्री मिनिमम रेंट की अमाउंट है सिक्स सो पेबल टू लैंड हो जाएगी सिक्स 2016 में सेवन थाउजेंड रुपीज़ रॉयल्टी की अमाउंट है मिनिमम अमाउंट रेंट की अमाउंट है सिक्स थाउजेंड अब लैंडलॉर्ड को जो पेड होगी वो सेवन थाउजेंड होगी लेकिन इस सेवन थाउजेंड में से वन थाउजेंड जो है वो रिकवरी के लिए यूज़ किए गए हैं तो वन थाउजेंड हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे सो वन थाउजेंड रिकवमेंट में जाएंगे और सिक्स थाउजेंड जो है वो पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड का सो so, लैंड को पेमेंट हो जाएगा सिक्स थाउजेंड का ये जो सिक्स थाउजेंड है ये मिनिमम रेंट के हिसाब से पेड किया गया नहीं है इसका कैलकुलेशन अलग है बस अमाउंट सेम दिख रही है सो so फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें 2017 में अगेन रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है मिनिमम रेंट की अमाउंट कम है अब जैसे कि हमें पता है रॉयल्टी की अमाउंट जो है एट थाउजेंड उनमें से टू थाउजेंड जो है उसकी रिकवरी की गई थी यानी कि दो हज़ार रुपये रिकवरी के लिए दिए थे रिकवमेंट के लिए सो दो हज़ार रुपये एडजस्ट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस है सिक्स थाउजेंड का वो पेड हो जाएगा लैंड लॉर्ड को और टू थाउजेंड एटीन में रॉयल्टी की अमाउंट है टेन थाउजेंड मिनिमम रेंट की अमाउंट है सिक्स थाउजेंड ज़्यादा अमाउंट से हम पेमेंट करेंगे सो टेन थाउजेंड रुपीज़ जो है वो पेएबल हो जाएंगे लैंड लॉर्ड को तो इस तरह से हमारा एनालिटिकल टेबल बनकर रेडी है और एनालिटिकल टेबल में हमने सारी कैलकुलेशन को कर दिया है आप फिर से इसको बहुत गौर से देखना है क्योंकि यहाँ पर जो रिकपमेंट का ड्यूरेशन है वो रिकपमेंट का ड्यूरेशन टू ईयर्स का ही है आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग शॉर्ट वर्किंग के ऑकरेंस के बाद नेक्स्ट टू ईयर्स में ही आपको उसकी रिकवरी कर देनी है और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसको आप अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स में डाल देंगे उसको हमें राइट ऑफ कर देना है उसको हमें ट्रांसफर कर देना है तो चलिए इस तरह से हमारा एनालिटिकल टेबल बनकर रेडी है अब हम नेक्स्ट बन बनाते हैं हमारी लेजर अकाउंट्स को सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी मिनिमम रेंट अकाउंट को अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सक रहे हैं इन द बुक्स ऑफ इंडिया बुक हाउस यानी कि टेनेंट की बुक में हम हमारी लेजर अकाउंट्स को बना रहे हैं सबसे पहले अकाउंट बनेगा हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट का अब 2014 में जैसे कि हमें पता था मिनिमम रेंट जो हमने पेड किया था 6000 का 2014 में हमें रॉयल्टी मिली थी 1000 की और शॉर्ट वर्किंग जो गैप आया था वो था 5000 का तो 2014 में थर्टी दिसंबर 2014 को डेबिट साइड में टू राठी अकाउंट सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड रुपीज जो है वो मिनिमम रेंट अमाउंट जो है वो हमने पेड कर दी है राठी अकाउंट को उसकी एंट्री हमने कर दी है साथ ही साथ 2014 में रॉयल्टी हमें मिली थी 1000 की उसे भी एडजस्ट कर देना है और शॉर्ट वर्किंग को भी हमने मिनिमम रेंट के साथ एडजस्ट कर देना है सो एट द एंड ऑफ द ईयर थर्टी दिसंबर 2014 को मिनिमम रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी अकाउंट 1000 थाउजेंड आ जाएगा और साथ ही साथ

टू राठी अकाउंट सिक्स थाउजेंड रुपीज़ जो कि हमने पेमेंट कर दिया था मिनिमम रेंट का और इस पेमेंट को हमें एडजस्ट कर देना है रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग्स के साथ क्योंकि रॉयल्टी जो थी वो कम थी थ्री थाउजेंड रुपीज़ की और उसी की वजह से शॉर्ट वर्किंग्स जो थी वो थ्री थाउजेंड रुपीज़ की बन गई थी तो उसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं सो ऑन द क्रेडिट साइड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को बाय रॉयल्टी अकाउंट थ्री थाउजेंड रुपीज़ और अगेन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को बाई शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट थ्री थाउजेंड रुपीज़ सो इसी तरह से ये जो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ है उससे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाता है अब मिनिमम रेंट जो होता है वो हम पेड करते हैं जब हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है रॉयल्टी की अमाउंट कम हमारी टू थाउजेंड फोर्टीन और टू थाउजेंड फिफ्टीन में थी इसीलिए मिनिमम रेंट अकाउंट जो है वो सिर्फ दो ईयर्स का ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है वो रॉयल्टी से कम यानी कि मिनिमम रेंट के हिसाब से किया है अब इसके बाद जो अकाउंट हमारा बनेगा वो बनेगा रॉयल्टी अकाउंट अब रॉयल्टी अकाउंट जब भी भी हम देखते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट के साथ ही साथ हमें देखना होता है कि रॉयल्टी में हमने जो अमाउंट पेड कर रही है उस अमाउंट को हमें ट्रांसफर भी कर देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो चलिए टू में जैसे कि हमें पता है रॉयल्टी हमारी थी वन की तो वो ₹1000 की रॉयल्टी हमने मिनिमम रेंट अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दी थी सो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट साइड में 31st दिसंबर 2014 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट ₹1000 अब ये जो ₹1000 की रॉयल्टी हमें मिली थी वो रॉयल्टी हमें ट्रांसफर कर देनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सो एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट साइड में 31st दिसंबर 2014 को

सो उजटीन क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्री थाउजेंड और यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा अब नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन में रॉयल्टी जो थी वो रॉयल्टी ज्यादा है यानी कि मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट हम कर देंगे लैंड लॉर्ड को यानी कि राठी अकाउंट को सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को डेबिट साइड में टू राठी अकाउंट रॉयल्टी की जो कुछ अमाउंट आती है वो हम पेड कर देते हैं ड को इसीलिए यहाँ पर अकाउंट आता है टू राठी अकाउंट सेवन थाउजेंड रुपीज अगेन ये जो रॉयल्टी की अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर सो क्रेडिट साइड में सेवन थाउजेंड रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएंगे और यहां पर अगेन हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में अगेन रॉयल्टी की अमाउंट ज्यादा है सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन को डेबिट साइड में टू राठी अकाउंट एट थाउजेंड रुपीज और अगेन ये सेम अमाउंट हमारी ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में एट थाउजेंड रुपीज से और हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा लास्ट ईयर में भी रॉयल्टी के अकाउंट ज्यादा है जो कि हमें पेड करनी होगी लैंड को सो अगेन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड एटीन को डेबिट साइड में टू राठी अकाउंट टेन थाउजेंड रुपीज और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टेन थाउजेंड रुपीज से और हमारा अकाउंट जो है वो अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा इसी के साथ हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट बनकर रेडी है बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है और ये हमने पिछले कई वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं जो कि है हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अब जैसे कि हमें पता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो होता है वो जब भी, भी हमारी रॉयल्टी कम होती है तब तब हमें शॉर्ट वर्किंग देखने मिलता है तो ये जो शॉर्ट वर्किंग्स है वो शॉर्ट वर्किंग्स हम देखेंगे और शॉर्ट वर्किंग्स किस तरह से रिकवर की गई है उसकी भी एंट्रीज हमारी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बन जाएगी तो सबसे पहले हमें पता है कि 31 दिसंबर 2014 को शॉर्ट वर्किंग थी 5000 की सो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट 5000 का 31 दिसंबर को मिनिमम रेंट सिक्स थाउजेंड था रॉयल्टी वन थाउजेंड आई थी और उसी की वजह से शॉर्ट वर्किंग जो थी वो फाइव थाउजेंड बन गई थी तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर डेबिट साइड में कर दी है अब क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना होगा बैलेंस कैरी डाउन दिखाना होगा क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर फाइव का और इसी के साथ शॉर्ट वर्किंग का टू का जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है अब लास्ट ईयर का जो कैरिट डाउन बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा सो फर्स्ट जनवरी 2015 को डेबिट साइड में टू बैलेंस बैलेंसेंड रुपीज का आ जाएगा अगेन अब 2015 में जो शॉर्ट वर्किंग है है वो उसका बैलेंस यानी कि रॉयल्टी थ्री थाउजेंड की थी और मिनिमम रेंट सिक्स थाउजेंड का था तो जो शॉर्ट वर्किंग आएगी वो थ्री थाउजेंड की आएगी तो इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी डेबिट साइड में थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को टू मिनिमम रेंट अकाउंट थ्री थाउजेंड रुपीज का अब हमारे डेबिट साइड में जो बैलेंस है वो बैलेंस आ जाएगा एट थाउजेंड का क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है सो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को बाई बाउन एट थाउजेंड रुपीज और इसी इसी के साथ हमारा बैलेंस डाउन हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा अब ये जो कैरिट डाउन बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एट थाउजेंड रुपीज अब 2016 को बैलेंस आ गया है एट थाउजेंड रुपीज़ का 2016 में किसी भी तरह की शॉर्ट वर्किंग नहीं है बल्कि 2016 में हमारे जो पिछले शॉर्ट वर्किंग्स थे उसको हमने रिकवर कर दिया था अब 2016 में जो 2014 की 5000 की शॉर्ट वर्किंग थी उसमें से वन थाउजेंड रुपीज़ जो है उसको रिकअप हमने कर दिया था सो so, थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो रिकवरी की थी उसको हम पेड कर देते हैं बाय राठी अकाउंट को वन थाउजेंड रुपीज के साथ क्योंकि शॉर्ट वर्किंग में से सिर्फ वन थाउजेंड रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल थे और इतनी ही रिकवरी हम कर सकते थे तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी है तो रिमेनिंग अमाउंट जो थी फोर थाउजेंड की उसे हमें राइट ऑफ कर देना होगा और उसे हमें ट्रांसफर कर देना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फोर थाउजेंड रुपीज ये फोर थाउजेंड रुपीज जो है वो है अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स के तो वो हमने ट्रांसफर कर दिए हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और इसी के साथ हमारे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाते हैं हमारे पास जो बैलेंस है वो ज्यादा है तो अगेन क्रेडिट साइड में बैलेंस डाउन आ जाएगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को थ्री थाउजेंड रुपीज़ का तो हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन है ये बैलेंस जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन सो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड से डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन थ्री थाउजेंड रुपीज अब टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो रिकवरी की गई थी वो रिकवरी थी टू थाउजेंड रुपीज की यानी कि टू थाउजेंड रुपीज का सरप्लस हमारे पास है और अमाउंट जो अवेलेबल थी उसमें से हमने टू थाउजेंड रुपीज जो 2016 के हमारी रिकवरी की अमाउंट थी उसमें से हम ले रहे हैं अब 2016 में शॉर्ट वर्किंग जो थी वो थी 3000 की उसमें से 2000 थाउजेंड हमारे पास अवेलेबल थे तो उसको हम रिकवर कर देंगे और जो 1000 थाउजेंड अनरिकवरेबल अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को बाय राठी अकाउंट टू थाउजेंड एंड थर्टी फर्स्ट 2016 टू थाउजेंड को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड रुपीज रिकवर हो गई इसके लिए राठी के अकाउंट में भेज दिए वन थाउजेंड रुपीज थे इसके लिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भेज दिया और इसी तरह से हमारे टू थाउजेंड सेवेंटीन के शॉर्ट वर्किंग्स जो है वो रिकवर हो चुके हैं रिकवरी जो दी गई थी हमें वो दी गई थी कि जब भी भी शॉर्ट वर्किंग ऑकर होगी उसके नेक्स्ट टू इयर्स में ही हमें रिकवरी देनी है तो उसी हिसाब से हमने रिकवरी दे दी थी एनालिटिकल टेबल में मैंने ये समझा दिया था आपको कि दो साल में रिकवरी हमने कैसे दी है और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में उसके एंट्रीज भी हमने पास कर दिए हैं तो इसी तरह से हमारा ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है अब इसके बाद का जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा हमारा लैंडलॉर्ड का अकाउंट यानी कि हमारा राठी अकाउंट अब यहाँ पर जो हमारी एंट्रीज होगी वो एंट्रीज इस तरह से होगी 2014 में लैंडलॉर्ड को अमाउंट ड्यू थी मिनिमम रेंट की क्योंकि वहाँ पर मिनिमम रेंट ज्यादा था सो अमाउंट ड्यू हो जाएगी सिक्स थाउजेंड रुपीज की और अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर पेड भी हो जाएगी राठी अकाउंट को तो पहली एंट्री जो बनती है वो क्रेडिट साइड में बनेगी पहली एंट्री हमें अमाउंट ड्यू की करनी होगी और दूसरी एंट्री हमें अमाउंट पेड की करनी होगी जो कि डेबिट साइड में होगी So, ंड की, की, की और इसी तरह से सिक्स थाउजेंड रुपीज है वो लैंड लॉर्ड को पेड किए जाएंगे उसी के साथ टू थाउजेंड फिफ्टीन में भी मिनिमम रेंट की अमाउंट जो थी वो ज्यादा थी इसके लिए वही अमाउंट से हम पेमेंट कर देंगे लैंड लॉर्ड को सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन में सबसे पहले अमाउंट ड्यू होगी मिनिमम रेंट की जो कि क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होगी और फिर पेमेंट होगा जो राठी अकाउंट को मिलेगा डेबिट साइड में बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सो थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट सिक्स थाउजेंड रुपीज़ अमाउंट पेड की एंट्री है और थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को क्रेडिट साइड में बाय मिनिमम रेंट अकाउंट अमाउंट ड्यू की एंट्री है तो इसी तरह से ये अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे अब 2016 में रॉयल्टी के अमाउंट जो है वो रॉयल्टी के अमाउंट ज़्यादा है और इसी की वजह से लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट मिलती है वो रॉयल्टी की अमाउंट मिलती है लेकिन 2016 में हमें जो रिकपमेंट किया था उस रिकपमेंट के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ शॉर्ट वर्किंग के रिकपमेंट के लिए हमने यूज़ किए थे तो वन थाउजेंड रुपीज़ हम पहले शॉर्ट वर्किंग में एडजस्ट कर लेंगे सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को डेबिट साइड में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वन थाउजेंड रुपीज़ और एक्चुअल पेमेंट जो होगा राठी अकाउंट को वो होगा सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का सो थर्टी फर्स्ट 2016 टू थाउजेंड सिक्सटीन को टू बैंक अकाउंट सिक्स थाउजेंड रुपीज हालांकि अमाउंट ड्यू जो थी रॉयल्टी पर वो थी थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी अकाउंट सेवन थाउजेंड की तो इसी तरह से राठी अकाउंट को सेवन थाउजेंड रुपीज का पेमेंट मिल जाएगा अब टू थाउजेंड सेवेंटीन में भी रॉयल्टी की अमाउंट ज्यादा है तो अमाउंट जो पेड होगी राठी अकाउंट को वो रॉयल्टी की अमाउंट पेड होगी अब रॉयल्टी जो है टू थाउजेंड से एट थाउजेंड थी लेकिन इस एट थाउजेंड में से रिकवरी जो की गई थी वो टू थाउजेंड की रिकवरी की गई थी होंगे और एक्चुअल होगा, होगा का तो हमारी एंट्रीज होगी थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन को डेबिट साइड में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू थाउजेंड रुपीज से और एक्चुअल पेमेंट की जो अमाउंट होगी वो होगी थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन को टू बैंक अकाउंट सिक्स थाउजेंड से और जो एक्चुअल अमाउंट ड्यू थी, 31 2017, 8, रुपीज थी। so, 8, रुपीज में रॉयल्टी जो ड्यू थी वो थी 10,000 की और यहाँ पर किसी तरह की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं किया है पूरा अमाउंट जो है वो हमने पेड कर दिया था राठी अकाउंट को सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू को टू बैंक अकाउंट टेन थाउजेंड रुपीज पेमेंट कर दिया था और जो अमाउंट ड्यू थी रॉयल्टी पर वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रॉयल्टीज अकाउंट टेन थाउजेंड और इसी तरह से हमारे लैंड लॉर्ड को सारे पेमेंट्स मिल जाते हैं और सारे पेमेंट्स की एंट्रीज भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है तो राठी अकाउंट यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट हमारा बनकर रेडी है अब हमें बताया गया था प्रॉब्लम में कि बैलेंस शीट हमें देनी है और बैलेंस शीट में शॉर्ट वर्किंग्स हमें दिखानी है और 2016 थाउजेंड के शॉर्ट वर्किंग्स हमें बैलेंस शीट में बताने थे तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट दिखा रहे हैं एज एट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन अब जैसे कि हमें पता है शॉर्ट वर्किंग जो थे टू थाउजेंड सिक्सटीन में थ्री थाउजेंड के थे क्योंकि मिनिमम रेंट जो था सिक्स थाउजेंड का था और रॉयल्टी जो आई थी वो थ्री थाउजेंड की थी तो शॉर्ट वर्किंग जो थे वो थ्री थाउजेंड के वो एसेड साइड में हम लिख देंगे क्योंकि एसेड साइड में ही शॉर्ट वर्किंग्स दिखाई जाती है सो बैलेंस शीट जो है टू थाउजेंड सिक्सटीन की उसकी एसेड साइड में शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में थ्री थाउजेंड रुपीज हमने डिस्क्लोज कर दिए हैं ये हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रॉब्लम में हमें बताया गया था कि शॉर्ट वर्किंग की जो, जो अमाउंट है वो 2016 की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दें तो इसी तरह से हमारी 2016 की बैलेंस शीट और वहां पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को भी हमने डिस्क्लोज कर दिया है तो बहुत ही आसानी से हमने एनालिटिकल टेबल भी बना दिया सारे अकाउंट्स भी बना दिए और सारा कैलकुलेशन भी कर दिया फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले जिन्होंने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वो सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स रॉयल्टी अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने इसके पहले भी अपलोड किए हैं मेरी चैनल पर तो उसे भी आप देखना ना भूलें और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना ना भूलें उन सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है रॉयल्टी अकाउंट के और नए एडजस्टमेंट और नए प्रॉब्लम के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे तब तक के लिए इस प्रॉब्लम को देखते रहिए बाकी प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करिए सारे वीडियोज़ को देखते रहिए शेयर करते रहिए थैंक यू